हाय फ्रेंड्स, मेरी इन स्लाइड ट्यूटोरियल्स में मैं आज आपको बताने वाली हूँ फ्रॉक की कटिंग। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने कैनवास ले रखा है और 3 मीटर कपड़ा ले रखा है। फिर मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। देखिए आपको इसे डबल फोल्ड करना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, कपड़े को डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पे एक फोल्ड और करना है, ये हमारा हो गया फोर फोल्ड। फोर फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पे चोली बनानी है। तो चोली की लेंथ लेनी है हमें 14 इंच। यहाँ पे हम 14 इंच पे मार्क कर लेंगे और एक 7 इंच पे मार्क करने के बाद हम यहाँ पे लाइन इसके से खींच लेंगे। खींचने के बाद हमने 3 लाइन खींच ली है, जैसे हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम यहाँ पे बोर्ड नेक बनाएंगे। तो बोर्ड नेक के लिए हमें 7 इंच में मार्क करना है। यहाँ आर्म होल के लिए 6 इंच में मार्क करेंगे। चेस्ट के लिए 8.5 9 इंच में मार्क करेंगे और कमर के लिए 7.5 इंच में मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम इसे लाइन सीधी खींच लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग अपने नाप रख सकते हैं। तो यहाँ पे लाइन खींचने के बाद हम यहाँ पे बनाएंगे आर्म होल। तो आर्म होल के 1 इंच मार्क करेंगे। फिर हमें यहाँ पे गोल शेप लेना है। यहाँ पे नीचे की साइड हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए एक्स्ट्रा लेने के बाद हम इसे कर लेंगे कट चारों तरफ से। तो मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमने यहाँ पे चोली की कटिंग कर ली है। देखिए मैं आपको यहाँ पे इसे खोल के दिखा देती हूँ। खोलने के बाद हमें यहाँ पे 20 सेंटर पे इस कपड़े को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे 4 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पे हमें प्लेटें बनानी है। यहाँ प्लेट डालने के लिए हम यहाँ पे करेंगे 4 इंच पर मार्क। यहाँ पे 1/2 इंच लेंगे, जो आधे हमारी सिलाई में आएगी। सेम दूसरे साइड भी इसी तरीके से लगा लें। ये देखिए मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट लाइन बनी है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर निकालनी है हमें आस्तीन। तो आस्तीन के लिए हमने कपड़े को ले रखा है। यहाँ पर हम कपड़े को डबल फोल्ड कर रखा है। डबल फोल्ड करने के बाद हम इस कपड़े को एक फोल्ड और करेंगे। ये देखिए ओपन वाला एरिया आप साइड रखा है हमने, आप चाहें तो अपने साइड भी रख सकते हैं। इसके बाद हमें कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हमें आस्तीन की कटिंग करनी है। तो आस्तीन की लेंथ रखनी है हमें। और यहाँ से हम कर लेंगे कट। अब हमें करनी है इसे कट। तो ये देखिए हमने फोल्ड फोल्ड कर रखा है आस्तीन की कटिंग के लिए। यहाँ से एक बार और मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे लेंथ इसकी हमें रखनी है 15 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। यहाँ से हमें बनानी है आर्म होल। तो आर्म होल के लिए हमें यहाँ पे शेप देना है, गोल शेप। गोल शेप देने के बाद यहाँ पे आस्तीन, आस्तीन की हमारी कलाई है 4 इंच। तो यहाँ पे 4 इंच में मार्क करके लाइनिंग इसके ऐसे सीधी खींच लेंगे। ये देखिए खींचने के बाद यहाँ से हमें यहाँ पर भी हमें लाइन सीधी खींचनी है और 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है, जो हमारे सिलाई के लिए कटिंग के लिए होगी और एक सिलाई के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। हमें यहाँ पे आस्तीन की इस तरीके से कटिंग करनी है। ये देखिए आप अपने अकॉर्डिंग आस्तीन रख सकती हैं। शॉर्ट में चाहिए शॉर्ट में बना लीजिए, लॉन्ग चाहिए तो लॉन्ग भी बना लीजिए। पर यहाँ पर मैंने यहाँ पर पौनी बना रखी है, तो पौनी के लिए इतनी लेंथ सही है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कपड़ा ले रखा है। तो कपड़े के लिए हमें बनानी है घेर। तो घेर के लिए हमें क्या करना है, कपड़े को डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक इस तरीके से ट्रायंगल में कपड़े को रखेंगे। कपड़े को रखने के बाद हमें यहाँ पे मार्क करेंगे 7 इंच पे। एक्स्ट्रा हमें चोली निकाल के, चोली की लेंथ 14 इंच निकाल लेंगे, 7 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ पे हमें लेंथ इसकी रखी है 37। यहाँ पे हम 37 में मार्क करेंगे। 1 इंच हम एक्स्ट्रा भी ले लेंगे, जो हमारी सिलाई के लिए आएगी। यहाँ पे हम मार्क करने के बाद इस तरीके से गोल शेप में स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हम इसे चौक से शेप कर लेंगे अच्छे से लाइन को। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे गोल शेप दे दिया फ्रॉक के लिए। गोल शेप देने के बाद अब हम इसे क्या करेंगे, कट कर लेंगे। मैं आपको कट करके बता देती हूँ। इस तरीके से आपको कट कर लेना है। कट
करने के बाद ये हमारा बन गया घेर। तो घेर के लिए मैंने नॉर्मली घेर रखा है इसमें। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने कमर के पास मैंने जो निशान लगा था उसे मैंने कट नहीं, तो मैंने यहाँ पे इसे ओपन करके यहाँ पे 14 इंच का मार्क किया मैंने। और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम, एक्स्ट्रा इंच से हम रख के वहाँ पे कट करेंगे। तो हम यहाँ पे लाइन सीधी ड्रॉ कर लेंगे, इस तरीके से लाइन सीधी खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद जो हमने फर्स्ट लाइन खींच रखी है उसे हम कट करेंगे। सेकंड लाइन हमारी सिलाई के लिए है, ये देखिए हमने कट कर लिया है घेर के लिए। और कट करने के बाद मैं आपको यहाँ बता देती हूँ जो मैंने चोली की कट की है, हमें जॉइंट कैसे करना है। यहाँ पे इस तरीके से हमें जॉइंट करना है। मैंने यहाँ पे पट्टी भी कट करनी है, तो मैं आपको बताऊँ पट्टी को, वो पट्टी हमें बेल्ट के लिए काम आएगा। ये देखिए हमने चोली को साइड में रखा, यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ बुकरम से क्या बनाना है। हमें नीचे की साइड झालर बनानी है, तो वो हम बुकरम की हेल्प से बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने कैनवास ले रखा है, इसे बुकरम भी बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच ले रखी है और लंबाई तो हमें इतनी रखनी है आपको, नहीं यहाँ पे लंबाई हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 इंच पे मार्क करने के बाद हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। पूरे पेपर को हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे गोल शेप बनाएंगे। गोल शेप बनाने के लिए हम चूड़ी की मदद लेंगे। तो यहाँ पे चूड़ी से हमने गोल शेप कर लिया है। गोल शेप बनाने के बाद हम कर लेंगे इसे कट। तो कट करने के बाद देखिए आप, हमें इसे तरीके से लाइन ड्रॉ किया था, हमें इसके ऊपर कट करना है। किनारे पे आपको पूरी कट नहीं करनी है, नहीं तो सारे पीसेस अलग अलग हो जाएंगे। तो हमें 1 इंच छोड़ के 1/2 इंच फिर हमें कट करनी है। देखिए ये बनेगी हमारी झालर। ये बुकरम से हमने कट कर लिया। अब मैं आपको बताऊँगी इसे कैसे अटैच करना है। इसमें कपड़े के ऊपर फोल्ड करके जैसे हम कॉलर बनाते हैं उसी तरीके से हमें इसे भी फोल्ड करना है। उसके बाद सिलाई करेंगे। ये हमने कर ली कट। यहाँ पे हम बनाएंगे बेल्ट। तो बेल्ट के लिए हमने यहाँ पे लिया 4 इंच, हमने 4 इंच पे मार्क करना है ताकि हमारी सीधी लाइन और सीधी बेल्ट कटिंग होगी। यहाँ पे हमने कर लिया 4 इंच मार्क। 4 इंच पे मार्क करने के बाद हम यहाँ पे स्केल से सीधी लाइन खींच लेंगे। ये देखिए सीधी लाइन खींचने के बाद और भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, हमने कपड़े को ऊपर लाइन खींच ली। खींचने के बाद हमने इसे कर ली कैंची से कट। कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, इसे मैंने डबल फोल्ड किया है। तो डबल फोल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे आपको खोल के बताती हूँ घेर और चोली को कि आपको इसे कहाँ अटैच करना है। तो यहाँ पे हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के लिए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम अभी नहीं लगाएंगे, पहले हम इसे अटैच कर लेंगे उसके बाद सिलाई लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने चोली ले रखी है और घेर ले रखा है। तो यहाँ पे हम बीच सेंटर में से अटैच करना है। इसे अटैच करने के बाद इस तरीके से हमने पूरी कटिंग कर ली है। देखिए कटने के बाद इस तरीके से दिखेगा। स्टिचिंग में आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले प्लीज। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और भी मेरी वीडियोज देखने के लिए आप आई बटन को क्लिक कर सकते हैं।